दूसरे दिन भी भाकियू संगठन के जिला अध्यक्ष व मेरठ मंडल प्रभारी लोकेश नागर को पुलिस प्रशासन ने किया नज़रबंद। गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के जनपद गाजियाबाद के भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष लोकेश नागर को देश में गर्मा रहे किसान आंदोलन को देखते हुए दूसरे दिन भी घर पर नज़रबंद किया गया। भारतीय किसान संगठन के जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश का किसान अपनी फसल का मूल्य की गारंटी मांग रहा है। तीन कानून के विरोध में जब आंदोलन खत्म हुआ था, तब सरकार ने पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था। लगभग दो साल बाद भी कोई परिणाम नहीं निकला। किसान जब सरकार को वादे याद दिलाने जा रहा है, तो प्रशासन को बल का उपयोग कर रहा है। किसानों ने बहुत इंतजार किया। सरकार तब ही क्यों कार्यवाही करती है, जब किसान सड़क पर उतर जाता है। पिछले दो महीनों से हम सरकार से बात करना चाहते थे, पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। अब देश का किसान जाग गया है। प्रशासन द्वारा किसानों को नज़रबंद किया है, तो क्या कहना चाहेंगे देश को? इस पर बस यही कहना चाहेंगे कि हम आतंकवादी तो है नहीं, अपनी मांगों के लिए जो जायज़ मांग है, जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे हमसे, उन्हें बस उसी के लिए जा रहे हैं कि जो तुमने किया उसे पूरा करो। अब तो ये है कि कैसे इनका दमन कर दिया जाए, इलेक्शन कैसी हो जाए, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। और जितने तार इन्होंने, जितने कील दिल्ली के चारों तरफ लगा दिए, हमारे बहुत से बॉर्डर अभी ऐसे हैं जो खाली हैं, खाली पड़े हैं बॉर्डर, वहाँ लगा दो इन्हें, वहाँ काम आएंगे। बंगाल बॉर्डर पूरा खाली पड़ा है, चीन में लगा दो। क्यों नहीं लगा रहे हो तुम वहाँ? वहाँ तो खुला आवन गमन हो रहा है। तुम जो हमारी राजधानी है, जहाँ जहाँ से हमारा सब कुछ चल रहा, तुम उसे हमारे लिए सील कर रहे हो। हम पाकिस्तान से या बांग्लादेश होता है ना, जो हमें वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। तो पंजाब का किसान जो है दिल्ली कूच कर रहा है, तो आप भी दिल्ली कूच करने वाले थे, लेकिन इसके बाद क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति यही रहेगी कि हम जाएंगे, हमारी आवश्यकता होगी हम बिल्कुल जाएंगे। भारतीय किसान संगठन पूरे दलबल से जाएगा। और अभी तो बस ये है कि जैसे वो यहाँ आ जाते हैं बॉर्डर पर, हमें यहाँ से निकलेंगे। क्यों नहीं निकलेंगे? कब तक नज़रबंद करके रखेंगे? ठीक है, गाड़ी घोड़ा से नहीं जाएंगे, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, पैदल निकल जाएंगे हम तो। कोई जरूरत थोड़ी किसान के बालक है, खेत में निकल जाएंगे हम तो। अपने ने नज़रबंद किया हुआ है, तो क्या पूरा मामला है, क्यों नज़रबंद किए हैं आपको? पहली बात तो नज़रबंद का कोई मतलब नहीं होता। हम अपना शांतिपूर्वक आंदोलन करने जा रहे थे, जो किसानों की MSP की मांग है, सबसे बड़ी मांग है MSP की। कर्जा की है तो और बात की, लेकिन MSP की है। पीछे मोदी जी ने जब आंदोलन चलाता 13 महीना, तो ये कहता कि किसान से मैं माफ़ी मांगता हूँ और MSP में लागू करता हूँ। 22-23 महीना हो लिए, जो कि आज तक भी MSP का कोई भी काम नहीं हुआ। और ये कही थी कि किसान की एक कमेटी बनाऊंगा, उसमें किसान से सलाह मशवरा करके मैं MSP लागू करूंगा। और बहुत ज़ोर से भाषण में कहा था कि MSP है, रहेगी, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं है, धरातल पर कोई चीज़ नहीं उतरी है। अब किसान अपना शांतिपूर्वक आंदोलन पंजाब से चालू हुआ था, हरियाणा से चालू हुआ था, जो उन पर आंसू गैस के गोले और गोली और रबड़ की गोली बुलेट भी चलाई गई हैं, सारी चीज़ चलाई गई हैं, और उन्हें दिल्ली आने के लिए रोक रहे हैं। जो कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भी और हरियाणा हाई कोर्ट ने भी ये आदेश किया कि किसानों को जाने दो दिल्ली, अपनी मांग रखने दो। लेकिन अब प्रशासन UP का देख लो, हर तरह पे प्रशासन किसानों को रोकने के लिए खड़ा, जैसे ये पाकिस्तानी है या आतंकवादी है। अभी एक और चला है कल से, आपने देखा होगा सभी पत्रकार भाइयों ने, कि खालिस्तानी है। पीछे 13 महीने आंदोलन चला था, हमें एक भी खालिस्तानी बता दो वहाँ पकड़ा हुआ, एक भी आतंकवादी बता दो। कोई पुलिस कस्टडी या कोई वो नहीं थी वहाँ पर, किसान की थी, एक भी बता दो। अब BJP सरकार, BJP के जो नुमाइंदे हैं, वो लोग किसानों को बदनाम कर रहे हैं। जितनी कटीले तार बॉर्डर पर आप भी गए हो, गए सब देखा होगा, इतने तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगा दे तो एक आदमी भी ना आवे, एक भी नहीं आवे। ट्रैक्टरों के लिए सरिया गाड़ दी, तो किसान कोई आतंकवादी थोड़ी है, इसी देश के रहने वाले हैं। रात दिन खेत में मेहनत करते हैं, खेत में जाते हैं, कीड़ा सांप दुनिया भर का रहता है, किसान उसमें रहता है। एक मोदी जी को 5 बीघे खेत करवाने के धान के लिए भेज देना, सारी पता पड़ जाए किसान क्या चाहिए। अब इन लोगों का यही पता नहीं पड़ रहा, पहली बात तो, कि किसान की क्या लिए करना क्या चाहते हैं। ऊपर से चुनाव आ रहा है, चुनाव में अब क्या चली है, कल यहीं पर बैठे थे एक प्रधान जी है BJP के, वो कह रहे थे कि वो इनके पास तो फंडिंग आ रही है, हमें यही पता नहीं है फंडिंग आ कौन से रास्ता से रही है, और आ रही है तो ये पकड़ के दिखा, इनके पास तो सब कुछ है, CBI, ED, PG सब है, पकड़ के दिखा किसान को कौन सी वो आ रही है। और
अब गाजियाबाद जिले में क्या हुआ, सभी किसान नेता छूट गए हैं, मुझको 40 घंटा बंधक घर पर बना रखा है। अब इनसे ये पूछा भाई हम अपने काम नहीं करेंगे, हम कोई बाबा जी थोड़ी हैं, अपने बच्चे हैं, अपने काम हिले भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे, जैसा समय मिलेगा ऐसा करेंगे। अब हमें ये पता नहीं पड़ रहा गाजियाबाद प्रशासन का क्या क्या रहा है, भारतीय किसान संगठन के से क्या क्या रहा। कल को हम रोड पर बैठेंगे फिर उसमें मामला बिगड़ेगा। और अभी हमारे बिलारी जी की भी एक डिबेट आई थी कि सरकार चाह रही है टिकैत साहब को बैठाना, जो कि पिछली बार भी टिकैत साहब है, टिकैत साहब अंदर खाने गवर्नमेंट से भी बात करते हैं और किसानों से भी। हम लोग चाह रहे हैं कि टिकैत साहब को हम नहीं बैठाएंगे। सर जिस दिन टिकैत साहब बॉर्डर पर आ गए उस दिन सबका बॉर्डर खुल जाएगा, ये हम भी जान रहे हैं, लेकिन टिकैत साहब सरकार के नुमाइंदे हैं, उनको कोई भी यूनियन नहीं चाह रही। तो आगामी मांग क्या रहेगी किसानों की? बस हमारी मांग तो सबसे बड़ी MSP की है कि MSP जो 13 महीना का आंदोलन चला उसमें वादे किए प्रधानमंत्री ने वो पूरे कर दे। हमारी तो सबसे बड़ी मांग MSP है, MSP दे दो। MSP को लेकर सरकार और किसानों की वार्ता भी हुई है, तो उस वार्ता से कितना संतुष्ट है किसान? सरकार ने जो MSP पर वार्ता हुई थी उसमें MSP पर हाथ खड़े कर दिए थे कि हम इसमें जांच करवाएंगे, कुछ इनसे सलाह मशवरा करेंगे, इसको जब लागू करेंगे। कर्जा वाली बात है, कर्जा वाली पर विचार करने के लिए बोला था। और मांग थी जो हमारे 700 किसान गुजरे थे पिछली बार, उनके मुआवजे वाले की बात है, उन पर भी विचार करने के लिए बोल गए, लेकिन MSP के लिए हाथ खड़े कर दिए कि हम इस पर कमेटी बनाएंगे। और कमेटी जो अब 22 महीना नहीं बनी तो आगे का क्या करें? तो आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या संदेश देंगे जनता को? आज के प्रेस के माध्यम से यही देंगे, हम 16-17 तारीख में हम एक पंचायत करेंगे, बड़ी पंचायत करेंगे, और वहाँ से वो किसान निकल लिए बॉर्डर से पंजाब से, हम भी इधर से चलेंगे। लेकिन ये जो प्रशासन हमें घर में नज़र बंद कर रख रहा है, ये किस वेस पर रख रहा है? हम प्रशासन से ये पूछना चाहते हैं कि सब किसान छूट गए, एक भारतीय किसान संगठन का जिलाध्यक्ष 40 घंटा नज़रबंद कर रखा है, इसका पता नहीं पड़ रहा। या तो प्रशासन हमें रोकने के मूड में तो खुल कर रोके, फिर हम जाके भी दिखा देंगे प्रशासन को। अभी ड्रामाबाजी कर रखी है प्रशासन ने, हमें घर से नहीं निकलने दे रहे किसानों को।